भावना जगी कि हम इस आपदा का सामने एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। इसलिए छोटे से छोटे बच्चे स्कूल में थोड़ी सी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दिया। अभी हम आ रहे थे कि तो ये सेब के बगान जो मालिक हैं वो उन्होंने भी एक चेक दिया 5 लाख का, किसी और ने 1 लाख का दिया। फिर रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ महिलाएं सड़क पे काम कर रही हैं, हमारी गाड़ी रोकी उन्होंने कहा कि हम श्रमदान दे रहे हैं, हम इस सड़क को ठीक करने के लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ आकर हम काम कर रहे हैं निःशुल्क। तो ये जो भावना है आपकी, इस भावना से ही आप मजबूत बनेंगे। और जो भी आपदा आए, अगर हम सब एकजुट होकर एक परिवार के समान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, तभी हम ऐसी आपदाओं का सामना कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। अभी मैं मनाली से आई हूँ, रास्ते में बहुत देखा कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन जैसे आपकी पाठशाला में इस तरह से जो पत्थर इस तरह से पहाड़ से गिर के आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा है कि कोई बच्चा नहीं था स्कूल में उस समय, ये रात को हुआ और सब सही सलामत है, लेकिन इतना नुकसान झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, जितने भी विधायक हैं, दिन रात काम कर रहे थे आपदा के समय भी और आज भी 24 घंटे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके हाथ मजबूत हों, आप फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। जितना नुकसान आप झेल रहे हैं उसकी आपको पूरी मदद मिले। जैसे आपने कहा, आप कह रहे थे कि आपके घर में दरार आया है, तो उसके लिए भी कुछ सरकार पैसे देगी, जिसका घर टूट गया है, जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है। और सबसे बड़ी चीज की ये जो भावना आपने दिखाई है एकजुट होकर आपदा से लड़ने की, इसे पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं नहीं समझती कि इस समय यहाँ आकर हमें राजनीतिक बात करनी चाहिए, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और मैं खास तौर से जो भाजपा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस आपदा के साथ आपके प्रदेश के साथ राजनीति ना करें। चाहे हमारी प्रदेश की सरकार कांग्रेस की ना हो, लेकिन ये देखें कि आपके प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, आपको कितना नुकसान हुआ है, आप किस तरह से एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं, और इसी भावना से वह भी जुड़ जाए। और अगर यहाँ पे जो हुआ उसे वो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें, तो उससे केंद्र की तरफ से भी बहुत राहत मिल सकती है। तो जो हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है वो तो पूरी है। और जैसे कहा सुक्कू जी ने, कुछ भी हो गया हो, घर टूटा हो, दरार आई हो, जानवर मर गया है या कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, उसकी मदद आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे इतनी बड़ी जो नेशनल हाईवे है, इसको बनाने का काम ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उनसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि आपको और मदद मिले। और बाकी हम सब आपके साथ ही हैं, आपके सुख में साथ हैं, दुख में साथ हैं। मेरा तो आप जानते ही हैं, मेरा यहाँ घर है वास्तविक तौर पर, जाती हूँ। तो मैं फिर से सुक्कू जी, जब आप इस स्कूल को ठीक करेंगे तो एक बार फिर से मुझे बुलाइएगा, मैं आऊंगी दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।